back, updating you from the last match of the fourth day here at AAA Associates presents Marfor Champion League 2021. यहाँ पे बताती चलूँ कि आखिरी मैच की फर्स्ट इनिंग्स का अख्तिताम हो चुका है. 113 रन्स का टारगेट है फॉर केपीके टाइगर्स टू विन फ्रॉम स्ट्राइकिंग पैंथर्स. यहाँ पे लेट मी अपडेट यू विद द मोस्ट सिक्सेस. हमारे पास मोस्ट सिक्सेस में द वन हु स्टॉपिंग द चार्ट्स इज उसामा अली विद 19 सिक्सेस. फिर आते हैं छोटा विकी विद 12 सिक्सेस, अकबर पोली विद 12 सिक्सेस अगेन, एंड देन आदिल अली विद 10, एंड ताहिर पिंडी नॉट फार बिहाइंड विद 11 सिक्सेस. इसके बाद आ जाते हैं हम आपको बताने मोस्ट विकेट्स. अहमद कुल्फी विद 6 विकेट्स हमारे सबसे बेहतरीन बॉलर हैं. देन जेबीउल्लाह विद 4 विकेट्स, तैमूर अली विद 3 विकेट्स, उमेर अब्बासी ने भी 3 विकेट्स ली हैं और अदनान अशरफ ने 2 विकेट्स ली हैं. एंड थैंक यू सो मच एंड बैक टू द कमेंट्री बॉक्स. थैंक यू मिशा इमरान. ऑल इम्पॉर्टेंट क्वालिफायर ऑफ दिस ट्रिपल एसोसिएट्स मारखोर चैंपियंस लीग 2021 जिसमें भगवाल अवान सियालकोट स्ट्राइकिंग पैंथर्स सामना कर रहे हैं एमसीसी केपीके टाइगर्स का. 113 रन्स का हदफ दिया है स्ट्राइकिंग पैंथर्स ने केपीके टाइगर्स को. और अब उसामा की 59 रन्स की इनिंग 21 गेंदों पर उन्होंने जो खेली थी, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लेकर आए स्ट्राइकिंग पैंथर्स को. 19 छक्के सबसे ज़्यादा लगा चुके हैं और कॉमेंट्री बॉक्स में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं हसनैन लियाकत, उभरते हुए कॉमेंटेटर. वेलकम हसनैन. बहुत शुक्रिया नसीम. और इस वक्त बड़ी बेहतरीन बल्लेबाजी की उसामा अली ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट और आज इस क्वालिफायर में बहुत आसान कर दिया है अभी तक अपना सफ़र. क्या कहेंगे आप, 113 रन्स का टारगेट आसानी से चेस कर लेगी ताहिर इस्लामाबाद एंड कंपनी या फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मैच है लेकिन इतना प्रेशर मैच नहीं है ये, क्योंकि हारने वाली टीम को भी चांस होगा कि कल वो सेकंड क्वालिफायर में ख़ुद को जिता कर फाइनल में जा सकते हैं. लेकिन ताहिरी पिंडी पर बहुत डिपेंड करता है. ताहिरी पिंडी ने अब तक जिस तरीके की बैटिंग की है इस ट्रिपल एसोसिएट्स मारखोर चैम्पियंस लीग 2021 में, इनकी बैटिंग बहुत क्रूशल रोल प्ले करेगी इस मैच में हसनैन. बिल्कुल नसीब. और जिस तरह मैं आपको बता चलूँ ताहिरी के साथ इमरान खान ओपन करने के लिए आए हैं और पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट में बड़ा मुकाम रखते हैं, बड़े शोहरत याफ्ता बल्लेबाज हैं इमरान खान. इनका चलना भी बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इमरान खान स्पेशलिस्ट बल्लेबाज हैं, राइट हैंडेड बैट्समैन हैं, इनका ताल्लुक अटक से है. इसके अलावा तमाम तरह ऑलराउंडर्स को खिलाया हुआ है इमरान खान और सरमद हमीद के अलावा केपीके ऑलराउंडर्स के ऊपर फोकस कर रही है. तो इमरान खान का चलना बहुत ज़रूरी है इस ऑल इम्पॉर्टेंट क्वालिफायर में. ताहिरी पिंडी कैप्टन हैं एमसीसी टाइगर्स के और बहुत भारी जिम्मेदारी है अपनी टीम को फाइनल में लेके जाना है तो 113 रन हासिल करना होंगे इस पहले क्वालिफायर में. सामने बॉलिंग भी बहुत तगड़ी है जैसे अभी हसनैन ने बताया कि सरदार हसनैन जबरदस्त बॉलर हैं और अब तक इस ट्रिपल ए एसोसिएट्स मारखोर चैंपियंस लीग 2021 में जबरदस्त बॉलिंग की और पहली ही गेंद को सामने की जानेब उठा दिया जोरदार छक्का. और इस छक्के के साथ इमरान अटक ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं. स्टार्ट विद द बैंग इमरान खान, एक बुलंद उबाला और फलक शगाफ छक्का. 237 छक्के लग चुके हैं ट्रिपल एसोसिएट ब्रॉ इस वक्त आपको छक्के दिखाते हुए और बड़ा बेहतरीन शॉट इमरान खान के बल्ले से निकलता हुआ फलक पोस्ट छक्का बिल्कुल बॉलर के सर के ऊपर से होते हुए लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री क्रॉस के इस छक्के ने. बड़ा टारगेट सामने लेकिन कॉन्फिडेंट स्टार्ट या एमसीसी केपीके टाइगर्स का. सरदार एक मर्तबा फिर और इस बार स्लोअर वन किया था, अपने पेस से डिसीव किया यहां इमरान अटक को. इमरान एक दफा फिर पेस के इंतजार में खड़े थे कि पेस सी बॉल होगी उसको इजीली खेलेंगे लेकिन थोड़ा सा स्लो रहा ये बॉल. इमरान खान के लिए देखें बिल्कुल बॉल पे नहीं आ सके इमरान खान. स्लॉक करना चाहते थे, स्लॉट पे बॉल जरूर था लेकिन पेस कम था इस बॉल का, प्रेडिक्ट नहीं कर सके इस बॉल को. बिल्कुल हसनैन अपने पेस से डिसीव किया, थोड़ा स्लोअर वन किया था जिसकी वजह से इमरान गेंद को टाइम नहीं कर सके, डॉट बॉल हुआ. वाओ 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 व्हाट अ शॉट, ओवर स्क्वायर लेग गॉन फॉर 6 रन्स, इमरान खान जॉइंस द पार्टी. ये कैच भी हो सकता था, लकी रहे यहाँ इमरान खान के, फील्डर के तकरीबन रीच में गेंद थी ऐसा लगा. हम रीप्ले में देखेंगे ये कैच क्या लिया जा सकता था क्योंकि इस मैच में आपको कैचेस को लेना होगा.
थोड़ा सा ऊपर था, जंप लगाई थी, लेकिन लकी रहे कि थोड़ा सा ही ऊपर ये गेंद था। टैग पार्टनर MCL 2021 फॉर बॉल बाय बॉल अपडेट्स विजिट www.crickslab.com। पाकिस्तान के दराज कद बॉलर मोहम्मद इरफान अगर स्क्वायर लेग के ऊपर खड़े होते तो यकीनी तौर पर ये कैच थाम सकते थे। नसीम, तीन गेंदों पर दो छक्के इमरान लगा चुके हैं, कैच नहीं लेते तो कम से कम गेंद को ही ग्राउंड में तो जरूर रखते। बिल्कुल सही कहा आपने। राइट हैंड ब्लॉक ऑल, इस वक्त फील्डर मौजूद है डीप मिड विकेट के ऊपर, एक रन का इजाफा होगा और इस एक रन के इजाफे के साथ खतरनाक बल्लेबाज ताहिरी इस्लामाबाद आ चुके हैं स्ट्राइकिंग एंड पे। ताहिरी पिंडी हैं या ताहिरी इस्लामाबाद हैं, ये वैसे नाम इनका ताहिरी पिंडी लिया जाता है। इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, इनका घर इस्लामाबाद में है, ताहिरी पिंडी के नाम से ये मशहूर हैं। ताहिरी पिंडी भी कहा जाता है, ताहिरी इस्लामाबाद भी कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल ताल्लुक इनका रंगला आज़ाद कश्मीर से है। पेकुला, ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन हमें मिलती रहती है हसनैन, आप जितने कमेंटेटर्स हैं ज़ैबी और तमाम लोग जिस तरह अपडेट करते रहते हैं हमारी मुश्किल बहुत आसान करते हैं आप लोग। और बाल हवा में और बॉल को बाउंड्री का रास्ता दिखाया ताहिरी इस्लामाबाद ने, एक बुलंद दोबाला और फलक शगाफ छक्का सरदार हसन मेगे साबित होते हुए। And this six is brought to you by Triple A Associates. तीसरा छक्का इस ओवर में, ये देखें ऑफ वाली गेंद थी जिसे लॉन्ग ऑन की जाने टाइम कर दिया ताहिरी पिंडी इस्लामाबाद ने। That is good, ताहिरी पिंडी इस्लामाबाद, बल्कि कश्मीर भी साथ लगा लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, थोड़ा नाम लंबा जरूर हो जाएगा। और 239 छक्के लग चुके हैं, 39 चौके नहीं हुए अभी तक, 239 छक्के हो गए। इंटरेस्टिंग, ट्रिपल ए एसोसिएट्स मारखोर चैंपियंस लीग, और इस बार आउट होने का खतरा है ताहिरी पिंडी के लिए, बॉलर गेंद के नीचे लेकिन जज नहीं कर सके और ये मैच कॉस्ट भी कर सकता है ये कैच, क्योंकि ये कैच ताहिरी पिंडी का था। ये रिप्ले देखेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच था इस पहले क्वालिफायर का। कैप्टन ताहिरी पिंडी ऑन साइड की जाने बड़ी हिट लगाने के लिए गए थे, गेंद काफ़ी देर हवा में रही, सरदार खुद अपनी गेंद पर कैच करने गए लेकिन गेंद को जज नहीं कर सके और यहाँ जिंदगी मिल गई कैप्टन को पहले ओवर के इख्तिताम पर 20 बगैर किसी नुकसान के MCC टाइगर्स। बिल्कुल एक ओवर में 20 रन हासिल करके MCC टाइगर्स अपने हदफ की जानिब रवा दवा, जो 113 रन है ज़बीउल्लाह गेंद करने आए, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर ज़बीउल्लाह ने ज़बरदस्त बॉलिंग की इस ट्रिपल ए एसोसिएट्स मारखोर चैंपियंस लीग 2021 में। वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस, कादिर कश्मीर को पीछे रखा गया है, ज़बीउल्लाह को बुलाया गया है, पहले मैच के मर्द मैदान जरूर रहे थे ज़बीउल्लाह, देखना पड़ेगा ताहिरी के खिलाफ कैसी बॉलिंग करते हैं ज़बीउल्लाह। और शॉट बॉल हवा में और बॉल जाएगी इस वक्त डीप मिड विकेट बॉडी से बाहर, एक बुलंद दोबारा छक्का, ट्रिपल ए एसोसिएट ब्रॉट दिस सिक्स। ताहिरी पिंडी जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, रुहेल नजीर इनके भाई जबरदस्त क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान को लीड किया अंडर 19 वर्ल्ड कप में रुहेल नजीर ने, क्रिकेटिंग फैमिली और जितने पॉपुलर हैं। And this six is brought to you by Triple A Associates. ज़बीउल्लाह ताहिरी को इस बार भी आउट होने का खतरा है, गेंद बहुत ज्यादा हवा में चली गई है, दो तीन फील्डर गेंद के नीचे और कैच लेने में कामयाब, इस तरह ताहिरी पिंडी की इनिंग का खात्मा, मच नीडेड विकेट फॉर स्ट्राइकिंग पैंथर्स। बड़ा ही खूबसूरत कैच, दिलकश कैच यहाँ पर उसामा अली सियालकोट की जानिब से, और अपनी ज़िंदगी की भरपूर फॉर्म में है उसामा अली सियालकोट और बड़े दूर से भागते हुए आए और ताहिरी इस्लामाबाद का कैच पकड़ा। ये रिप्ले आप देख सकते हैं, बॉल काफ़ी देर तक हवा में रहा, तीन फील्डर्स ने कैच पकड़ने की ज़रूर कोशिश की लेकिन बर वक्त पहुँचे हैं स्पाइडरमैन की तरह उसामा अली। अब गेंद स्क्रीन में आई है, आप देखेंगे कितनी ऊपर ये गेंद गई थी और वेल जज कैच इसके बावजूद के दो तीन फील्डर्स पहुंच गए थे, फंबल भी हो सकता था। ताहिरी पिंडी 13 रन बनाकर आउट, 26 रन पर पहला नुकसान उठाना पड़ा हसनैन ने, ये बहुत बड़ी विकेट हासिल कर ली है स्ट्राइकिंग पैंथर्स ने।
बहुत बड़ी विकेट स्ट्रेटजी ये थी कि कादिर कश्मीर और तायरी इस्लामाबाद का ताल्लुक एक ही इलाके से है, तो अगर कादिर ओवर यहाँ पे फेंकते तो उनको पता था कि कादिर कहाँ पे बॉल फेंकते हैं, फुल एंड डिलीवरी करवाते हैं कादिर, तो कादिर को पीछे रखा गया था। ज़बीउल्लाह न्यू प्रोडक्ट है, उनको इन्वॉल्व किया गया और तायरी का विकेट लेने में कामयाब हो गए। तैमूर मिर्ज़ा और सरमद हमीद आ चुके हैं पिछले मैच के मर्द मैदान इस वक्त वन डाउन की पोजिशन पर। बड़ी बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, 50 स्कोर किया था सरमद हमीद ने पिछले मैच में और बड़ी दिलकश शॉट लगाई थी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से सरमद हमीद ने। अबे हसनैन, वो मैच इनकी टीम ने आज ही खेला था तो फिर आज ही दोबारा ग्राउंड में आने का उन्हें मौका मिला है, तो देखते हैं कि जहां से उन्होंने अपनी बारी छोड़ी थी वहीं से सरमद कंटिन्यू करते हैं या नहीं। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त कैश लिया ये तैमूर मिर्ज़ा, लीड कर रहे हैं स्ट्राइकिंग पैंथर्स को, बहुत अच्छे अंदाज से अपनी टीम को लेके चलते हैं तैमूर, जो उनका एक्सपीरियंस है वो ग्राउंड में भी दिखाई देता है एज ए लीडर। तैमूर इज़ ए वेरी गुड कैप्टन और बड़ी अच्छे तरीके से टीम को लीड करते हैं। ज़बीउल्लाह कुछ इसरा लाया और स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी बनाते हैं तैमूर मिर्ज़ा। कादिर को पीछे इसी वजह से रखा गया था कि कादिर और तायरी एक ही रीजन के क्रिकेट बहुत खेलिए, एक दूसरे को समझते हैं और ज़बीउल्लाह ने उनको काम कर दिखाया। अगेन इस शॉट को खेला था, फील्डर मौजूद है, एक रन का इजाफा। ये पहला क्वालिफायर है ट्रिपल ए एसोसिएट्स मारखोर चैंपियंस लीग 2021 का। जो टीम आज जीतेगी वो डायरेक्ट फाइनल में पहुंच जाएगी जो कल खेला जाएगा, लेकिन जो टीम हारेगी उसके पास भी एक चांस मौजूद होगा हसनैन, क्योंकि कल जो पहला मैच खेला जाएगा एलिमिनेटर, उसमें जो जीतने वाली टीम होगी उसके खिलाफ मुकाबला करेगी आज हारने वाली टीम, तो हारने वाली टीम के लिए भी चांस मौजूद है। जोरदार तरीके से खेला है, डीप मिड विकेट के ऊपर फील्डर मौजूद, थोड़ा सा फंबल जरूर हुए थे और एक से दो रन बनाने में कामयाब होंगे या नहीं, लेकिन बॉल के चार रन के लिए बॉडी लाइन से बाहर, स्टॉप ये एफर्ट। वाकई खुश नहीं है सिवाय अंपायर के, बाकी तमाम लोग नाराज हैं, अंपायर के इशारे से लगा कि वो ही खुश दिखाई दिए इस मिस फील्ड पे। लग ये रहा था कि बड़ी आसानी के साथ बॉल को फील्ड कर लेंगे, डीप मिड विकेट के ऊपर फील्डर बिल्कुल तैनात थे और ये देखें ये एक्स्ट्रा एफर्ट कर गया, आई थिंक टेक्निक गलत थी यहाँ पे फील्डर की, वो गेंद आने से पहले ही लेट गए थे कि जिस्म के जिस हिस्से से चाहे रुक जाए गेंद। कुछ ऐसा ही है यहाँ पे, टाइमलाइन आपके सामने, नसीम छक्का भी लग चुका है इस ओवर में और आखिरी बॉल पे चौका भी रिसीव कर चुके हैं सरमद हमीद। सरमद हमीद सामना कर रहे हैं यहाँ ज़बीउल्लाह का और सरमद हबीब का जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और छक्का। दिस सिक्स इज ब्रॉट टू यू बाय ट्रिपल ए एसोसिएट्स। सरमद हमीद ने बड़ा ही दिलकश शॉट खेला है डीप स्कोर लेग के ऊपर, फील्डर मैच तमाशाई का किरदार अदा करते रहे, ये आप रिप्ले देख सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत शॉट, बिल्कुल डीप स्कोर लेग के ऊपर फील्डर तैनात थे, कोशिश जरूर की लेकिन दिल्ली बहुत दूर थी फील्डर से, बिल्कुल खासी ऊपर थी। और सरमद इस बार भी बड़ी हिट लगाना चाहते थे, गेंद लॉन्ग ऑन की जानिब गई, एक रन हासिल करने में कामयाब, दो ओवर का इख्तिताम 38-1 एमसीसी टाइगर्स। बिल्कुल ऐसी है, इस वक्त AK-47 स्पीड गन के नाम से मशहूर दीरकोट से इनका ताल्लुक है, AK-47 और स्पीड गन इनको कहते हैं। कादिर कश्मीर आ चुके हैं बॉलिंग के निशान पर, कादर कश्मीरी बॉलिंग करेंगे पवेलियन एंड की जानिब से। ब्रिलियंट बॉल फ्रॉम कादिर कश्मीर, अच्छा स्टार्ट यहां पर, ड्रीम स्टार्ट टे बॉल में बॉलर के लिए होता है जब बल्लेबाज आके से चक्का ना लगाएं। तो कादिर कश्मीर बड़े बेहतरीन बॉलर हैं, बड़े मंजे हुए बॉलर हैं, इनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के इलाके दीरकोट से है और कश्मीर में बड़ी फैन फॉलोइंग है, जिस तरह पाकिस्तान में तैमूर मिर्ज़ा को बहुत पसंद किया जाता है उसी तरह कश्मीर में कादिर कश्मीर को बहुत पसंद किया जाता है और इनकी बर्क रफ्तार बॉलिंग पूरे कश्मीर में और पूरे पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है अपनी बर्क रफ्तार बॉलिंग की वजह से कादिर कश्मीर। कश्मीर पाकिस्तान का टूट अंग, जहां के क्रिकेटर्स भी जो है वो इस ट्रिपल एसोसिएट्स मारखोर चैंपियंस लीग 2021 का हिस्सा हैं, पूरे पाकिस्तान से क्रिकेटर्स एक्शन में। और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, इसको कट करने में कामयाब हुए, फील्डर गेंद तक पहुंचने की कोशिश, शानदार एफर्ट या फील्डर की जानिब से भाग कर तीन रन इस दौरान में हासिल करने में कामयाब हुए दोनों बैट्समैन।
बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुजाहरा इस वक्त फील्डर की जानिब से, जो कि बहुत दूर थे और बाकी आए डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से बॉल को अच्छे तरीके से फील्ड किया, रोका और अपनी टीम के लिए यकीन तौर पर दो रन्स यहां पर सेव किए हैं। और इस वक्त इमरान खान स्ट्राइक करेंगे कादिर कश्मीर के खिलाफ, लेकिन ये बाउंड्री हो गई है। अगर हम दोबारा देखें तो ये बाउंड्री हो गई है, गेंद रोप को टकरा चुकी है। मेरे ख्याल है अंपायर को अपना डिसीजन चेक करना पड़ेगा। गेंद पहले रोप को टकराई है, फिर जंप लेके ऊपर आई है, इस तरह ये बाउंड्री है। तो फिर चार रन्स मिले यहाँ पर, वैसे भाग के भी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट थी, तीन रन्स बना लिए थे दोनों बैट्समैन और इंटेंशंस दिखा रहे हैं अपनी के टारगेट की जानिब है। ये बिल्कुल एम्पायर की तरफ से भी तस्दीक कर दी गई है, चार रन्स का मजीद इजाफा। और सरमद हमीद ने इस बायर की बॉल को जाते हुए छेड़ा था और उसका रिजल्ट उनको चौके की सूरत में मिला और 2.2 बॉलों पर 42 स्कोर हो चुका है एमसीसी केपी के टाइगर्स का। ये मैच आखिरी ओवर तक जाएगा और बड़ा ही नेल बाइटिंग होगा नसीम। जितना आपका एक्सपीरियंस है हसनैन लियाकत, उस लिहाज से तो मैं बिल्कुल एग्री करूंगा आपकी बात से। देरकोट एक्सप्रेस राइट हैंड ब्लॉक ऑल, ब्रिलियंट बॉल, इसको जोरदार तरीके से खेला जरूर है लेकिन प्रोटेक्शन मौजूद है डीप मिड विकेट के ऊपर, एक रन का इजाफा होगा स्कोर में। कादिर कश्मीर बेहतरीन बॉलिंग करवाते हुए, इस वक्त धुआंधार बॉलिंग की जरूरत थी कादिर कश्मीर की जानिब से और उस तरह की बॉलिंग इस वक्त करवाते हुए कादिर कश्मीर बिल्कुल अब तक बिल्कुल टारगेट के मुताबिक रहे हसनैन दोनों बैट्समैन और इसी अंदाज से ये खेलते रहे तो फिर फाइनल में भी अपनी टीम को ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। विकटें हासिल करना होंगी यहाँ स्ट्राइकिंग पैंथर्स को वक्फे के साथ, वरना शायद जो स्टार्ट अब उन्हें मिल गया है इसे रोकना मुश्किल होगा। ये तीन गेंदें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर कादर कश्मीरी इन तीन गेंदों को बेहतर अंदाज से करने में कामयाब होते हैं तो प्रेशर डेवलप होगा यहाँ एमसीसी टाइगर्स पर। Oh, goes high, goes big, gone for maximum, over square leg this time from the bat of Imran Khan. This six is brought to you by AAA Associate. और ये रीप्ले आप देखिए, जोरदार हिट यहां पर, शानदार छक्का। कल जो पहला एलिमिनेटर है वो शाम को 6 बजे आप पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर बराह रास्त देखेंगे। AAA एसोसिएट्स मारखूर चैंपियंस लीग 2021 का डॉट बॉल, छक्के के बाद अच्छा कमबैक कादिर कश्मीरी की जानिब से। टेबॉल क्रिकेट में अच्छे बॉलर की यही निशानी होती है कि वो छक्का लगने के बाद कमबैक करते हैं और जो अच्छे बॉलर नहीं होते वो छक्के के ऊपर छक्का खाते हैं और कादिर कश्मीर ने अपनी क्लास को शो किया और इस वक्त डॉट बॉल करवाने में कामयाब हुए हैं इमरान खान के खिलाफ। एक सौ 13 रन का हदफ है एमसीसी टाइगर्स के सामने। आज स्ट्राइकिंग पैंथर्स के उसामा ने 59 रन स्कोर किए 21 गेंदों पर और अपनी टीम को लीड किया। अब तक वो इवेंट में भी सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बैट्समैन हैं जिसकी तादाद 19 है। दूसरे नंबर पर ताहिरी ने छक्के लगाए हैं जिनकी तादाद 12 है। देरकोट एक्सप्रेस उड़ता शॉट, गोज हाई, गोज बिग, गन फॉर मैक्सिमम। दिस सिक्स इज ब्रॉट टू यू बाय AAA एसोसिएट्स। सरमद हमीद का जोरदार बुलंदोबाला छक्का, शानदार हिट यहां पर सरमद की जानिब से। दिस सिक्स इज ब्रॉट टू यू बाय AAA एसोसिएट्स। ये रीप्ले सामने की जानिब, जोरदार हिट इमरान की जानिब से ये हिट थी और गेंद ग्राउंड के बाहर गई है। 3 ओवर का इख्तिताम, 55-41 एमसीसी टाइगर्स। एपी के टाइगर्स के लिए आज के सुपरस्टार सरमद हमीद हैं जिन्होंने पहले मैच में भी निस सेंचुरी स्कोर की और इस मैच में भी जारहाना बैटिंग का मुजाहरा कर रही हैं। लुक सो गुड, ही सो वेरी टैलेंटेड, माशाल्लाह से बड़ी जबरदस्त कन्वेंशनल शॉट्स खेलते हैं। एक और बहुत ही कमाल का शॉट सरमद हमीद का, कन्वेंशनल शॉट, फुल किया इसको, बॉल ज्यादा शॉर्ट नहीं था लेकिन फिर भी डिस्पैच करने में कामयाब हुए।
तैमूर मिर्जा का कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा, क्योंकि सरमद हमीद और मिमरान जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं, और ये देखें किस अंदाज से मिड विकेट की जानिब जोरदार बुलंद वाला छक्का लगाया। एंड दिस सिक्स इज ब्रॉट टू यू बाय ट्रिपल ए एसोसिएट्स। बड़ा ही ब्रूटल गेम है ये टेप बॉल का, और इसमें आप जितना भी स्कोर कर लें, 123 भी आज के दिन चेज हुआ, और अब ऐसा लग रहा है कि 113 भी चेज होने जा रहा है। अलबत्ता अभी भी बहुत डॉन्टिंग टास्क है सरमद हमीद और उनकी टीम के आगे। लक्सम से बाहर गेंद, अंपायर का सिग्नल, वाइट बॉल, एक्स्ट्रा का एक और रन बना, और ये पहला एक्स्ट्रा का रन है जो चौथे ओवर में जाकर दिया है। सबसे ज़बरदस्त बॉलिंग अगर हम देखें, डिसिप्लिन बॉलिंग का अवार्ड मेरे ख्याल है लाजमी तौर पर जाएगा यहाँ पर स्ट्राइकिंग पैंथर्स को। दानिश बिल्कुल, सलमान लेफ्टी ने अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में बड़ा इम्प्रेस किया है, और इस बार भी आइडिया ठीक था बट एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा 2 इंच का फ़र्क रह गया, वरना ये सीधी उनके एंकल पे आके लगती बॉल। याद होगा आपको बाबर आजम की भी एंकल पे लगी थी और वो LBW हो गए थे वहाब रियाज की बॉल, और उसके बाद अगले मैच में भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। और इसी तरह की गेंद थी जिसने आज तैमूर मिर्जा की विकेट ली थी, लेग स्टंप से बोल्ड जो हुए थे, ये थोड़ा सा फ्रैक्शन से वाइड थी। इस बार कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं है, दूर से दौड़कर आना पड़ा फील्डर को। इस दौरान में भागकर 2 रन हासिल किए दोनों बैट्समैनों ने, सनम थे फील्डर। एक एक रन खासा इंपॉर्टेंट इस पहले क्वालिफायर में, क्योंकि जो भी जीतेगा वो फाइनल में पहुंचेगा। राइट, MCC KPK टाइगर्स की इस वक्त बैटिंग जारी। सरमद कदीर जब तक क्रीज पर मौजूद है, जब तक खतरे की घंटी बजती रहेगी स्ट्राइकिंग पैंथर्स के लिए। तैमूर मिर्जा यकीनी तौर पर प्रेशर महसूस कर रहे होंगे यहाँ पर। कर्टसी एक्सेप्शनल बैटिंग बाय सरमद। प्लम LBW इस क्रिकेट में होता नहीं है वैसे, लेग बाय का रन यहाँ हासिल हुआ। बिल्कुल, आज साइडलाइंस पर एक नहीं दो स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, और वो आपस में बात कर रहे हैं। वो दो स्पेशल गेस्ट कौन है? ओवर टू यू गाइस। आपस में बातें करें, दो खवातीन मिल जाती हैं तो वैसे वुमन ऐसा ही होता है। गर्ल्स स्टॉप टॉकिंग, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच दानिश, सॉरी हम लोग थोड़ा बिजी हो गए थे अपनी चैट में। मेरे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद है इस्मा, आप इनको भी स्क्रीन पे देखते रहे होंगे। मेरे साथ मौजूद है निशा, आप इनको भी स्क्रीन पे देखते रहे होंगे। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि आज बड़ा इस्मा का भी आज डेब्यू हुआ है, टॉस का डेब्यू। कैसा रहा इस्मा आपका डेब्यू, ये तो बताएं। जब टॉस जीत चैलेंज किया गया था कि देखते हैं कि तुम कैसा करती हो, और मैं तो चैलेंज बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ, पूरा करती हूँ, तो बहुत जबरदस्त टॉस किया। पता ही है तुम्हें कितना जबरदस्त टॉस किया है मैंने। जबरदस्त तो बहुत है, ये तो बताएं, जीत के उन्होंने बैटिंग ली थी, बॉलिंग बैटिंग ली थी। उस वक्त मैं भूल गई थी, और जैसे ही मैं PCR में वापस गई हूँ तो ये लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कौन जीता है। मैंने कहा अच्छा KPK जीता है। उन्होंने क्या कर रहे हैं वो, मैंने कहा ये तो मैं भूल गई हूँ कि क्या कर रहे हैं। चलिए अब जरा, आपने टॉस भी शायद KPK का कराया था। मैंने KPK का कराया। अब KPK तो आपकी फेवरेट टीम है, जरा ये तो बताएं कौन सा फेवरेट प्लेयर है? ताहिरी पिंडी। पहले मैच में क्या जबरदस्त उन्होंने इंप्रेशन छोड़ा था मुझ पर, क्या जबरदस्त शॉट्स मारे थे और प्रॉपर हिट्स थे वो। हम बात तो करते हैं पावर हिटिंग की, लेकिन प्रॉपर शॉट्स थे उनके, बड़े जबरदस्त खेलते हैं। लेकिन अभी वो बेचारे थोड़ी सी उनकी इंजरी आ गई है, तो अब इतना फॉर्म में वो नहीं दिख रहे जैसे वो चौके छक्के उड़ाते थे। इस वक्त थोड़ा फॉर्म में नहीं, और मुझे लग रहा है आप मेरा इंटरव्यू कर रही हैं। आप बताएं, आप कराची से आई हैं, कैसा लग रहा है? मैं तो यहाँ की हूँ, पंजाब की हूँ, लाहौर से आई हूँ, पास ही है, तो मैं तो गेस्ट ही आ गई हूं। मैं तो लाइक मैं गेस्ट नहीं हूँ, आप गेस्ट हैं। चलिए थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे गेस्ट बोल रहे हैं, लेकिन मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है खास तौर से मार्को चैंपियंस। गर्मी कैसी लग रही है यहाँ स्टेडियम? गर्मी आज तो बहुत, आज रहा है आज तो आई थिंक बहुत ज़्यादा गर्मी है, और जो हवा चल रही है वो भी ऐसी गर्म हवा चल रही है, पता चल गया होगा कि कितनी गर्मी लग रही है। और व्यूअर्स के कमेंट्स भी हम लोग मिलके पढ़ते हैं और बड़ा एंजॉय करते हैं। स्पेशली जियो सुपर पे तो लोग हमें देख ही रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे भी लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और हम लोग मिलके आपके कमेंट्स आते हैं लोगों के, बहुत मजा आता है, मुझे बहुत मजा करते हैं, हम बहुत हंसते हैं उन कमेंट्स को पढ़ पढ़ के, है ना। फेवरेट मैच कौन सा रहा अभी तक आपका? फेवरेट मैच आई थिंक
शोर मचा रहे हैं लड़के कुछ, मुझे लगा कुछ हुआ लेकिन कुछ नहीं हुआ। चले थैंक यू सो मच आप लोग, हम लोग को तो हंसते मुस्कुराते देख लिया, अब ऊपर थोड़ा हंसते मुस्कुराते देखे सब। बैक टू यू दानिश। बहुत शुक्रिया मीशा और रेशमा आपका। बिल्कुल मार्को चैंपियंस लीग में जहाँ ग्राउंड में आपको रौनक नजर आ रही है वहीं साइड लाइन पे भी रौनक है। सो वी आर ट्राइंग टू गिव यू ऑल द एनर्जी वी पॉसिबली कैन। ये गेंद जो विकेट कीपर भी कहना है पकड़ नहीं सके थे, वैसे ख़वातीन को माइक दे दें तो माइक वापस आना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये जान रही दोनों ख़वातीन जो आपने देखी हाईली टैलेंटेड इस्मा असलम और मीशा इमरान, एक कलर रहा इन दोनों की वजह से, बहुत एनर्जी इनकी रही इस इवेंट में ट्रिपल एसोसिएट्स मारखोर चैम्पियंस लीग 2021 की सक्सेस में। जियो सुपर की प्रोडक्शन टीम का बहुत बड़ा रोल रहा, राजू भाई, रेहान भाई, फरूख सुलेमान, आतिफ कासमी, दानिश आप खुद जो आप तमाम लोगों के और जितने का मैं नाम भूल गया हूँ, तमाम लोगों के, आमिर भाई, सबके बहुत एफर्ट रहे और ये इट्स एन कम्बाइन एफर्ट जो पूरा पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया में 70 ममालिक में देखा जा रहा है। बिल्कुल असीम, वील कंटिन्यू ऑन दिस पॉइंट आफ्टर डिलीवरी। सलमान लेफ्ट टू सरमत, एक और फुल टॉस डिलीवरी और ऐसी डिलीवरीज को बिल्कुल नहीं छोड़ते सरमत कदीर, इस बार उठा के फेंका है ग्राउंड के बिल्कुल एंड तक। What a shot that was! Exceptional cricket by Sarmat. जबरदस्त हिट थी ये सरमद हमीद की और अब तक उनकी टीम टारगेट पर है। टूर्नामेंट में 245 छक्के लग चुके हैं, अंदाजा कर सकते हैं इस लीग में छक्कों की बारिश देखने को मिली है अब तक। ये देखें किस अंदाज से मिड विकेट की जानिब जोरदार हिट की सरमद हमीद ने। और नसीम आप वाली एडिशन की बात कर रहे थे जो इस्मा और मिशा की वजह से इस टूर्नामेंट में देखने को मिली हमें, उसके साथ साथ स्पेशल मेंशन बनता है हसनैन लियाकत का, ज़ुबैर अब्बासी का, साथ साथ महर सयाल हैं, दाऊद ने भी हमें ज्वाइन किया, फरहान निसार ने हमें ज्वाइन किया, जुहेब इखलाक ने हमें ज्वाइन किया, इन सब ने भी बड़ा रंग जमाया है मारखोर चैम्पियंस लीग में। और फिर स्पेशल गेस्ट भी कॉम बॉक्स में आके बैठते रहे, इन सब की वजह से रौनक बढ़ी है इस टूर्नामेंट की। आई एम श्योर जितने भी शायकी ने क्रिकेट हमें देख रहे थे, टेप बॉल देखने वाले हमें देख रहे थे, उन सब ने एंजॉय किया होगा। आफ्टर फोर इट्स 74 for 1। राइट 39 रन दरकार हैं 12 गेंदों पर और सबसे आखिर में एक नाम मैंने जानबूझकर छोड़ा था क्योंकि उसके लिए स्पेशल मेंशन ज़रूरी है और वो है नसीम राजपूत का नाम, क्योंकि हम सबके सीनियर हैं नसीम और बड़ा ज़बरदस्त बड़ी मोहब्बत से अपने जूनियर्स के साथ काम करते हैं। तो नसीम सलाम है आपको। थैंक यू वेरी मच दानिश अनीस, ये टीम एफर्ट है सारा, जैसे मैंने अभी जितने लोगों का नाम लिया, आप बैठे हैं, राजू भाई, ये जिस तरह लेके चलते हैं पूरी टीम को, सभी इंजॉय कर रहे होते हैं और ख़ासकर वाकई में दानिश आपने जितने हमारे वो टेप बॉल के कमेंटेटर्स का नाम लिया, अगर ये नहीं होते तो हम दोनों कुछ नहीं कर सकते थे यहाँ पर, हमें कैसे पता चलता कौन कहाँ का है और उसकी स्पेशलिटी क्या है। बिल्कुल ये सारे स्पाइसेस थे हमारे खाने में, अगर ये नहीं होते तो ये खाना फीका फीका सा लगता, तो इनको तीखा बनाया हमारे इन साथियों ने। लॉन्ग ऑन की जानिब खेलकर एक रन हासिल किया यहाँ पर, लेकिन एक एक रन से थोड़ा सा बचना होगा और कुछ हिटिंग करनी होगी क्योंकि अब भी 11 गेंदों पर 38 रन दरकार हैं फाइनल में पहुंचने के लिए एमसीसी टाइगर्स को। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच जारी है ये, इट्स एवरीथिंग टू प्ले फॉर। हम बारहा ये बात मेंशन कर चुके हैं कि जो भी टीम ये मैच जीतेगी सीधा फाइनल का टिकट कटाएगी, दैट्स द वैल्यू ऑफ दिस मैच। तो सर धड़ की बाजी लगानी बनती है यहाँ पर नसीम। बिल्कुल इस ऑप्शन को दोनों टीमें हासिल करना चाहेंगी, गो के इतना प्रेशर नहीं होगा कि हारने के बाद आप इवेंट से बाहर हो रहे हैं, आपके पास एक चांस और होगा, लेकिन क्यों ना एक ही मैच जीत के फाइनल में पहुंच जाएं, फिर एक ही हर्डल ले जाएं और वो लास्ट हर्डल हो जो फाइनल कहलाए। और इस बार काफ़ी क्विक यॉर्कर लेंथ डिलीवरी थी, सही यॉर्कर लेंथ पे पड़ी नहीं, हल्की सी फुल टॉस बनाई या सरमत कदीर ने जिसमें सिर्फ एक ही रन मिल पाया उनको। हम व्हाट्स एट स्टेक की भी बात कर लेते हैं नसीम, इस इवेंट की जीतने वाली टीम को 3 मिलियन रुपीज़ यानी कि 30 लाख रुपए की इनामी रकम दी जाएगी और रनर अप के लिए भी कोई हल्का इनाम नहीं है, 10 लाख रुपए उनको भी मिलेंगे। सो लॉट्स एट स्टेक हियर। इनामी रकम वाकई में अहमियत की हामिल है, ये जाएगा मारखोर चैम्पियंस लीग 2021 के मुंतजमीन को के इतना इनाम रखा, लेकिन जो उन्होंने इनको माहौल दिया वो आउटस्टैंडिंग है कि जिस माहौल में ये खेल रहे हैं शायद बहुत सारे लोगों ने सोचा भी नहीं होगा दानिश। बिल्कुल ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस दौरान सरदार आए हैं, लीडिंग बॉलर हैं अपनी टीम के लिए और इंप्रेशन बना सकते हैं यहाँ पर। और इस बार इसको ब्लॉक होल से निकाला और डिस्पैच कर दिया 6 रन के लिए। दिस सिक्स इज ब्रॉट टू यू बाय ट्रिपल एसोसिएट्स।
यॉर्कर लेंथ में गेंद था, तकरीबन यॉर्कर गेंद थी और जिस खूबसूरती के साथ इस स्ट्रोक को लॉन्ग ऑन की जानेब गाइड किया, लकी भी रहे कि फील्डर के जरा से ऊपर से गेंद गई, लेकिन दानिश ये स्ट्रोक देखें बिल्कुल जड़ में गेंद थी जिसे सामने की जानेब टाइम करके 6 रन हासिल किए। और ये भी कमाल स्किल देखी हमने काफ़ी सारे बैट्समैन में यहाँ पर जो जड़ों में से बॉल को निकाल के डिस्पैच करते हैं, और ख़ासतौर पर जो टेप बॉल स्पेशलिस्ट हमने देखे हैं ना यहाँ पर नसीम, वो माहिर हैं ये करने में, जिन्हें हम कहते हैं ना पक्के टेपिए वो चीज़ यहाँ पर। 9 गेंदों पर 31 रन दरकार हैं। ये तमाम स्पॉन्सर्स जो इस ट्रिपल ए एसोसिएट्स मारखोर चैंपियंस लीग 2021 के साथ जुड़े हुए हैं, इट्स एन जियो सुपर प्रोडक्शन फ्रॉम जिना स्टेडियम गुजरावाला। एक और बहुत पेसी डिलीवरी सरदार की जानिब से जिसको मिड विकेट की जानिब खेला सिर्फ एक रन के लिए। मेहमान ने बॉल से खुश नहीं है, मेहमान को लगता है कि जो उनको एलिवेशन नहीं मिला वो बॉल की वजह से नहीं मिला। दानिश अब तक अगर हम देखते हैं तो बड़ा अच्छा ओवर किया है यहाँ सरदार ने, एक छक्का ज़रूर खाया, वो भी बड़ी डिफ़िकल्ट अंदाज से खेला था इमरान ने, लेकिन उसके अलावा 3 सिंगल्स दिए हैं तो फिर अप टू दी मार्क हैं, क्योंकि अगर इन 2 गेंदों पर छक्के नहीं लगते हैं तो फिर अगले ओवर में बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर MCC टाइगर्स के लिए। एक छक्का भी और खा लेते हैं अगर सरदार तो फिर भी बुरा ओवर नहीं होगा, क्योंकि उस हिसाब से 15 रन देंगे ओवर में, विच इज एक्सेप्टेबल व्हेन इट कम्स टू टेप बॉल क्रिकेट। बट सरमद सुपर फॉर्म में है इस वक्त, सरमद हमीद की जानिब तमाम नजरें हैं इस वक्त MCC टाइगर्स की। फुल टॉस गेंद सामने की जानिब, प्रॉपर टाइम नहीं कर सके और इस तरह कैच आउट हो गए। ये सरमद हमीद की विकेट हासिल करने में कामयाब हुए सरदार, और शायद ये डिसिसिव विकेट भी हो सकती है इस पहले क्वालिफायर की। दानिश बहुत बड़ी विकेट लेने में कामयाब हुई है स्ट्राइकिंग पैंथर्स की टीम, उधर तैमूर मिर्जा थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तैमूर मिर्जा ने ही ये कैच लिया है बाउंड्री लाइन पर जंप करके, इट ऑलमोस्ट वेंट फॉर अ सिक्स। यहाँ पर आज हवा भी चल रही है तो हवा के साथ बॉल कैरी भी हो रहा था, और इट वॉज एन ईजी कैच बाय तैमूर मिर्जा, ही स्टूड हिज ग्राउंड एंड टुक इट कम्फर्टेबली इन द एंड। अब 7 गेंदों पर 30 रन दरकार हैं और डिसाइसिव विकेट आप कह रहे थे नसीम, वाकई में बहुत ज़बरदस्त अंदाज में खेल रहे थे सरमद और अपने आप से खुश नहीं है, 30 रन बनाकर वापस जा रहे हैं 12 गेंदों पर, और अच्छा प्लेयर है ये लड़का। दानिश वाकई सरमद की विकेट बहुत ही क्रूशल थी यहाँ, और वो हासिल करने में कामयाब हुए स्ट्राइकिंग पैंथर्स, और अब बहुत मैच में इन हो गए स्ट्राइकिंग पैंथर्स, क्योंकि 7 गेंदों पर अब 30 रन दरकार हैं, जो इतना आसान टारगेट नहीं। सनम इकबाल बैटिंग के लिए आए हैं, ट्रिपल ए एसोसिएट्स मारखोर चैंपियंस लीग 2021 का पहला क्वालिफायर, राइट पहला और वाहिद क्वालिफायर, कल 2 एलिमिनेटर्स और 1 फाइनल खेला जाएगा, बट ऑल फोकस इज ऑन दिस मैच राइट नाउ। एक और फ्लिक, हाथ घुमाने की जरूरत ही नहीं पड़ती इमरान को, इनकी कलाइयां ही काफी हैं। मैच को जिंदा रखा इमरान ने इस छक्के के बाद, 247वां छक्का इस ट्रिपल ए एसोसिएट्स मारखोर चैंपियंस लीग 2021 का। अब 6 ओवर 6 गेंदों पर 24 रन दरकार होंगे, ये देखें रीप्ले किस अंदाज से सामने की जानेब छक्का लगाया, एंड दिस सिक्स इज ब्रॉट टू यू बाय ट्रिपल ए एसोसिएट्स। इस तरह 5 ओवर के खेल का इख्तिताम हुआ, 89 for 2 MCC टाइगर, 24 रन आखिरी ओवर में दरकार। राइट नसीम राजपूत, 6 गेंदों पर 24 रन दरकार, टेप बॉल क्रिकेट में बिल्कुल पॉसिबल है, इनफैक्ट 36 रन भी आते हैं टेप बॉल क्रिकेट में, बस बैट्समैन को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। सनम बैटिंग कर रहे हैं स्ट्राइक पर हैं, अगर ये 4 छक्के लगाने में कामयाब हो गए तो पूरी टीम के सनम बन जाएंगे। बॉलिंग अच्छी कराई सनम ने आज, ऑलरेडी सनम बन चुके हैं वो अपनी टीम के लिए, बट ऐसा ना हो विलन बन जाए। नहीं नहीं, यहाँ अगर 4 छक्के लगाते हैं तो सनम से जानेमन बन जाएंगे वो। बिल्कुल वाकई, अगर यहाँ 4 छक्के लगा देते हैं सनम तो ज़बरदस्त काम होगा इस बार। बट उनके आगे सलमान लेफ्टी है, who's no ordinary bowler,
एक बड़ा नाम है पाकिस्तान की टेप बॉल क्रिकेट में सलमान लेफ्टी का। ना सिर्फ पेस है इनके पास बल्कि इनके पास दिमाग भी है, सलमान मिर्जा। बिल्कुल, सलमान मिर्जा ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है इस लीग में और लीग के लीडिंग बॉलर्स में शुमार होते हैं। 5 गेंदों पर 23 रन दरकार। मिमरान जो इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, तमाम नजरें मिमरान अटक पर जमी हुई हैं। अगर यहां पर ये 4 छक्के लगाने में कामयाब हो गए तो अटक में ऐसे ही इनका इस्तकबाल होगा जैसे लड़काना में शाहनवाज दहानी का होता आया है। जी क्या बात है, शाहनवाज दहानी की भी, और यही वो यंग स्टार्स हैं जो इंशाल्लाह अगले 2 से 3 सालों में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे दुनिया भर में। इस बार बड़ी हिट मारने की कोशिश, गेंद ग्राउंड में ही है और कैच ड्रॉप हो गया और स्ट्राइक भी मिमरान को दोबारा लेने का मौका मिल गया और गुस्से में दिखाई दे रहे हैं इस वक्त तमाम ही फील्डर बिलखसूस कैप्टन तैमूर। बिल्कुल, विकेट की शायद यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी नसीम जितनी डॉट बॉल की इंपॉर्टेंस होती है। डॉट बॉल भी नहीं हुई, 2 रन भी आ गए इसमें। अब 4 गेंदों पर 21 रन दरकार हैं। अभी भी खासा मुश्किल टास्क है ये एमसीसी केपीके टाइगर्स के लिए, पर अब स्ट्राइक पर मिमरान होंगे। 4 गेंदों पर बाउंड्री हासिल करेंगे तो उसी सूरत में मैच जीतेंगे। 3 छक्के और 1 चौका भी लगाते हैं तो 22 रन करके मैच जीत सकते हैं और 21 रन दरकार होंगे। ये कैच जो ड्रॉप हुआ जिस पर तैमूर मिर्जा भी खुश नहीं थे और तमाम लोग खुश नहीं थे, मेरे ख्याल में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई, दोनों फील्डर्स जो करीब आ गए थे उसकी डिस्टर्बेंस में प्रॉपर जज नहीं कर सके। इस बार प्रॉपर कनेक्शन, मैच अभी बाकी है मेरे दोस्त। 3 छक्के 1 चौका दरकार था, अब 2 छक्के और 1 चौका दरकार है। क्या मिमरान अटक अपनी टीम के लिए कारनामा सर अंजाम देने में कामयाब होंगे या नहीं, बस कुछ ही लम्हा आपको पता चल जाएगा। एक बार फिर झलक देखिए इस बुलंद वाला छक्के की। The six is brought to you by Triple A Associates and we've seen quite a few of them today. और इस छक्के के बाद ये स्क्रीन पर मिमरान अटक अपनी निफ सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं। वेल प्लेड मिमरान अटक, 16 बॉल्स पर 51 रन, सिर्फ 2 डॉट बॉल खेली, बाकी तमाम बाउंड्रीज हमें देखने को मिली उनकी जानिब से। और ये वो तमाम टीमों के फ्लैग्स जो इस ट्रिपल ए एसोसिएट्स मारखोर चैंपियंस लीग 2021 में पार्टिसिपेट कर रही हैं। ज़बरदस्त रंगीन मेला सजाया गया जिना स्टेडियम गुजरावाला में। बिल्कुल, और पाकिस्तान की तारीख में, इनफैक्ट दुनिया की तारीख में पहली बार टेप बॉल क्रिकेट को मल्टीपल कैमराज और ड्रोन की मदद से शूट किया जा रहा है। These players are blessed, इनको ये मौका मिला है courtesy Triple A Associates Markhor Champions League। सलमान लेफ्टी अपना रन अप भूल गए थे या probably rethink करना चाहते थे अपनी strategy। crucial 3 deliveries हैं, कोई एक गेंद अच्छी करनी है उन्हें और अपनी टीम को फाइनल में ले जाएंगे। एक गेंद भी अगर डॉट बॉल करने में कामयाब होते हैं तो फिर, या सिंगल भी देते हैं तो उस सूरत में भी 2 छक्के खा लेते हैं तो भी फाइनल में पहुँचने में कामयाब हो रहे हैं। नसीम यहाँ पर अगर एक और छक्का लगा देते हैं मिमरान तो सूरत हाल और ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगी और मज़ेदार हो जाएगी। ग्राउंड में जितने लोग हैं और जियो सुपर के तमाम नाजरीन भी कुछ ऐसे ही देखना चाहते हैं दानिश, इन 3 बॉल को भी भरपूर इंजॉय करना चाहते हैं। इनसाइड एज लगा लेकिन 4 रन हासिल हो गए तो पिक्चर अभी फिर भी बाकी है। बिल्कुल, अभी भी किसी ना किसी तरह से गेम में इन है केपीके टाइगर्स। और वही आपकी वाली बात कि 3 छक्के 1 चौका चाहिए तो 1 छक्का 1 चौका आ गया, अब 2 छक्के चाहिए नसीम राजपूत। 1 छक्का और 1 चौका की सूरत में ये मैच टाई हो सकता है तो फिर 2 बाउंड्रीज तो चाहिए। दैट वुड बी इवन बेटर बिकॉज़ इन दैट केस हमें देखने को मिलेगा सुपर ओवर। 61 छक्के लग चुके हैं इस टूर्नामेंट में अभी तक, छक्कों की तादाद इससे कहीं ज्यादा, छक्के डबल सेंचुरी ज्यादा बना चुके हैं। 2 गेंदों पर 11 रन दरकार हैं एमसीसी टाइगर्स को। जबरदस्त मुकाबला जिना स्टेडियम गुजरावाला में जारी, ट्रिपल ए एसोसिएट्स मारखोर चैंपियंस लीग 2021 का पहला क्वालिफायर। वैसे क्या लग रहा है, टाई हो रही है? बिल्कुल, पहले और आखिरी क्वालिफायर में पहला टाई, क्या हम देख पाएंगे या नहीं ये भी अब से कुछ लम्हात में पता चलेगा। मिमरान फिलहाल अपनी टीम के लिए उम्मीदों का महवर बने हुए हैं और केपी के टाइगर्स आज इससे पहला वाला मैच हारी थी और कंजेकटिव दूसरा मैच खेल रही है
उनकी शिकस्त के बायस आज ईगल आइज एलिमिनेटर में इन हुए और कल पहला एलिमिनेटर भी खेलेंगे। नसीम, बिल्कुल इस्माइल 1-1-2-2 ईगल्स आई आ जा, बड़ा मैच जीते, बड़ा टारगेट चेस किया और इस बार जबरदस्त कनेक्शन, एक और छक्का दानिश, इंटरेस्टिंग मैच, जबरदस्त मुकाबला। चौके की सूरत में टाई और छक्के की सूरत में केपीके टाइगर्स टिकट कटाएंगे मारखोर चैंपियंस लीग के फाइनल का। एक और बुलंदो पाला छक्का आपने देखा मिमरान अटक के बल्ले से, क्या बात है आपकी मिमरान, कमाल शॉट। मारखोर हमारा नेशनल एनिमल, कभी हार नहीं मानता। That six was brought to you by Triple Associates once again. नाम बड़ा जबरदस्त रखा है Triple Associates मारखोर चैंपियंस लीग 2021। मारखोर कभी हार नहीं मानता, कभी किसी से डरता नहीं है, हमेशा लड़ने को तैयार होता है और ये हमने इन तमाम लोगों में देखा, वो एनर्जी हमने देखी इन टीमों के दरमियान। और अब आखिरी गेंद होगी, मिमरान स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, अटक में जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दूसरी जानेब अब सारा प्रेशर आ चुका है सलमान मिर्जा और तैमूर मिर्जा पर, देखते हैं सलमान रफ्ती अब अपने नाम के मुताबिक आखिरी बॉल करा पाते हैं नहीं करा पाते हैं। इस बॉल रियली वेल नसीब, बस इस ओवर में मिमरान ने लूट लिया उनको। मुस्कुराहट भी इस वक्त मिमरान के चेहरे पर है क्योंकि तकरीबन नामुमकिन को मुमकिन करने जा रहे हैं। आखिरी चार गेंदों पर चार बाउंड्रीज मारना इतना आसान काम नहीं होता और अब तक उसमें कामयाब रहे। क्या आखिरी बाउंड्री लगाते हैं वैसे, चलें आप मुझे बताएं लग रही है या नहीं? नहीं, चले लग रही है दानिश। लेट्स सी, देखते हैं। राइट जेंटलमैन, होपफुली जितना हम एंजॉय कर रहे हैं उतना आप भी जियो सुपर की टेलीविजन स्क्रीन पर इस मैच को एंजॉय कर रहे होंगे, चाहे आप दुनिया भर में कहीं पर भी हों। कम ऑन मिमरान, कम ऑन सलमान लेफ्टी, कम ऑन मिमरान। और आखिरी गेंद, पांच रन दरकार, मिमरान सलमान की आखिरी। What a match this was, and this was not between Naseem and me. This was about Taimur Mirza and his team. Taimur Mirza एक बड़ी जबरदस्त reputation लेके मारखोर Champions League में दाखिल हुए, बड़ा नाम है इनका, he's the best batsman in Pakistan tape ball cricket. और Taimur Mirza की team अब final में दाखिल होने वाली पहली team बन गई है। एक अच्छी delivery सलमान मिर्जा की जानिब से, जितनी ताकत थी उनके अंदर उन्होंने लगा दी। सलमान मिर्जा ने भी बॉल को पकड़ा, पूरा नीचे झुक गए थे बॉल को पकड़ने के लिए। भगवाल अवान, सियालकोट स्ट्राइकिंग पैंथर्स, ट्रिपल ए एसोसिएट्स मारखोर चैंपियंस लीग 2021 के फाइनल में पहुंच गई पूरी टीम, सजदा रेज है अपने रब का शुक्र अदा करते हुए। बड़ी मुश्किल से ये फतह हासिल की है वरना ये मैच मिमरान ले गए थे। बिल्कुल, मिमरान ने भरपूर एक्सेलरेशन दिखाई और खूब प्रेशर बढ़ाए रखा तैमूर मिर्जा और उनकी टीम पर, लेकिन इवेंचुअली सलमान लेफ्टी ने अपने नर्व्स पर काबू किए रखा और अपनी टीम के लिए ये मैच जिताया। चार रन से यहाँ पर स्ट्राइकिंग पैंथर्स मारखोर चैंपियंस लीग का ये क्रूशियल क्वालिफाइंग मैच जीत कर फाइनल में जाने वाली पहली टीम बन गए हैं। और ये सलमान अभी स्क्रीन पे दिखाई दिए, ये तैमूर मिर्जा खुशियां मनाते हुए, हार्ट अटैक होते होते रह गया आज। वैसे ये सब लोगों का हाल था, जिस तरीके का ये मैच हुआ और पहला क्वालिफायर जैसा होना चाहिए था वैसा ही हुआ। और ट्रिपल एसोसिएट्स मारखोर चैंपियंस लीग 2021 अपनी पूरी आबोताब से जारी है। राइट, पहला और आखिरी क्वालिफायर खेला गया आज स्ट्राइकिंग पैंथर्स और एमसीसी केपीके टाइगर्स के दरमियान और ये मनाजिर आप एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेशंस के मनाजिर हैं। स्ट्राइकिंग पैंथर्स भगवाल अवान, स्ट्राइकिंग पैंथर्स शुरू से ही अच्छे खेल का मुजाहरा करती आ रही है, पूल स्टेजेस में भी अपने इन्होंने तीन में से तीन मैच जीते और अब वाहिद क्वालिफाइंग मैच को जीत कर ये फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हो चुके हैं। गुजरावाला आए और भंगड़ा ना डले ऐसा नहीं हो सकता और यही होता हुआ दिखाई दे रहा है इस वक्त भगवाल अवान सियालकोट स्ट्राइकिंग पैंथर्स के कैंप में, क्योंकि वो फाइनल में पहुंच गए हैं। कल जो आखिरी मुकाबला होगा उसमें वो एक्शन में दिखाई देंगे। बिल्कुल याद रहे, कल के स्केड्यूल पे भी बात करेंगे लेकिन इस वक्त बैटिंग कार्ड पर नजर डालते हैं। तारी पिंडी चार गेंदों पर 13 रन बनाने में कामयाब हुए, मिमरान अटक प्लेड एक्सेप्शनली वेल, 61 रन बनाए सिर्फ 19 गेंदों पर, जबकि सरमद ने 12 गेंदों पर 30 रन बनाए। ये
ये बॉलिंग कार्ड सरदार हसनैन 34 काफी एक्सपेंसिव रहे। जबीउल्लाह ने एक ओवर में 18 रन दिए। सलमान मिर्जा ने आखिरी डॉट बॉल की, एक्सपेंसिव जरूर रहे लेकिन मैच विनर भी रहे। तो जबरदस्त मुकाबला ये मैच समरी। स्ट्राइकिंग पैंथर्स 112 for 3, उसामा अली 59, आज दूसरी निस सेंचुरी उनकी, नासिर पठान 36, सनम इकबाल 2 for 22। जवाब में MCCKP की टाइगर्स ने 6 ओवर्स में 108 रन बनाए। मिमरान अटक वेल प्लेड 61 नॉट आउट, 30 रन सरमद ने बनाए, एक एक विकेट जबीउल्लाह और सरदार हसनैन की 4 रन से फतह हासिल की।